वफाकी वज़ीर इत्तला'आत और नशरियात सैनेटर शिबली फराज वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। तो आज ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरबराही में हमारी कैबिनेट का इजलास हुआ, जिसमें के सबसे पहली बात जो की गई वो टीवी लाइसेंस फ़ी जो कि 35 रुपए से 65 रुपए बढ़ा के 100 रुपए करने का एक प्रपोज़ल था। तो काबीना में चूँकि मुख्तलिफ आरा थीं इसलिए इस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया, और ये बात भी हुई कि वजूहात क्या थीं कि इस तरह करना पड़ रहा है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक बहुत ही एक अजीम इदारा था और उसकी एक बड़ी शानदार तारीख है, जिस तरह के हमारे और कई ऐसे नेशनल इदारे हैं जिनकी की शानदार तारीख है, जिसमें PIA है, पाकिस्तान स्टील है, ये सारे इदारे जो है तो एक अजमत के निशान थे। और जूँ जूँ वक्त गुजरता गया आती जितनी भी हुकूमतें थीं तो बजाय उन्होंने इदारों को बनाने या उसको मज़ीद उसमें निखार लाने के उसको तबाही की तरफ ले गए। पाकिस्तान टेलीविज़न एक ऐसा इदारा बन गया, उसको बना दिया गया जिसमें कि सियासी भर्तियाँ पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ऐसे उसमें एक बद इंतज़ामी और मेरिट के बरक्स जो भर्तियाँ की गईं उसने ज़ाहिर है कि उस इदारे को बिल्कुल ज़मीं बोस कर दिया है। अब इस इदारे को हमने दोबारा खड़ा करना है क्योंकि एक स्टेट टेलीविज़न जो कि रियासत पाकिस्तान की बुनियादी तौर पे एक नुमाइंदगी करता है, उसकी एक आवाज़ है, उस इदारे को अपने पैरों पे खड़ा करना उसके लिए बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। और पेंशन्स जो हैं वो भी पे नहीं कर सकते बिकॉज इतनी बड़ी तादाद में 3000 के करीब पेंशनर्स हैं जिनको कि पेंशन देना, तो ये सारी इंतज़ामी और तकनीकी कैमराज हैं वो आउटडेटेड हैं, कोई प्रोडक्शन हो नहीं रही, तो इस सिलसिले में ये सारी चीज़ों को दोबारा ठीक करने के लिए मजबूरन ये फैसला या ये प्रपोज़ल डाला गया। अब जहाँ तक के उसके बनाने में या उसको हमने किस तरह से रीस्ट्रक्चर करना है उसके बारे में पूरे प्लानिंग हुई हुई है, सिर्फ इसमें ज़ाहिर है कि कोई भी काम बगैर रिसोर्सेज के हो नहीं सकता, स्पेशली जब आपने पेंशन्स का इशू सॉल्व करना हो, आपने और लोगों की जो सैलरीज हैं इक्विपमेंट है इसको करना हो तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये इस पर मज़ीद बहस होगी, इस पर मज़ीद मुख्तलिफ राह ली जाएंगी और ये अगले हफ्ते पे इसका मुअख्खर कर दिया गया है। दूसरी बात जो हुई वो काबीना ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया था, एक अपनी जो उनका हमेशा से एक मौकफ राय है कि जो भी अवामी नुमाइंदे होते हैं उनको अपने असासे डिक्लेयर करने चाहिए, और ये काम उन्होंने जब 2011 में किया था जबकि उस वक्त हम जो भी कोर कमेटी के मेंबरान थे उनको कहा गया था अपने असासे डिक्लेयर करने के, जो कि हमने किए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कि कहा गया था और वो वादा पूरा कर दिया कि जिसमें कभी पहले हुआ नहीं है। ये देखें ये चीज़ें एक एक कदम होता है जो कि बड़े सफ़र का एक लंबे सफ़र का आगाज़ होता है। इसमें शफाफियत के आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं जो कि एडवाइज़र्स हैं या स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चूंकि हुकूमत का और काबीना का हिस्सा होते हैं उनको भी इस चीज़ पे वो किया जाए, मजबूर किया जाए या उनको उन पर भी ये शर्त आयद की जाए जो कि मुंतखब नुमाइंदों पर होती है जो कि वो अपने असासे। तो ये पहले कभी काम नहीं हुआ और मैं समझता हूं कि हमने पूरी कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले को सराहा और इसकी यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा भी हम जो है तो इसी फलसफे को लेके आगे चलेंगे जिसमें कि हर चीज़ में शफाफियत हो कि आवाम को पता हो कि उनके जो हुक्मरान हैं वो उनके क्या असासे हैं, कहाँ पे हैं और कैसे बने। वो तो उनका काम ये नहीं कि कैसे बने, ये तो बाद की बात है, अगर उसको कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो कर सकता है। दूसरी बात जो हुई वो
कि पिछले हफ्ते आपने, आपको याद होगा कि दयामीर भाषा डैम उसका इफ्तिताह किया गया, मतलब इफ्तिताह तो नहीं, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ज़मीनी ज़मीन पे लाने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है लेकिन इसको गुज़श्ता हुकूमतें आगे चला नहीं सकें। जो भी वजूहात थीं, ये कमिटमेंट की कमी थी, चूँकि बैंगी बिजली के वो सौदे हो रहे थे, तो इसलिए किसी ने ये नहीं समझा कि इस जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जाएं जिसमें कि एक तो सस्ती बिजली पैदा हो सके, सैराब ज़मीनें हो सकें, पानी का स्टोरेज हो सके। तो उस चीज़ को हमने दोबारा से शुरू किया है, जो कि मेरा ख्याल है कि अयूब खान के बाद कोई एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ जो कि इसको शुरू किया गया। और इसके समरात इंशाल्लाह कौम भी देखेगी, और अगर हम दरख्त लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साय में बैठने के लिए वो दरख्त लगाते हैं, ये मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं उनके लिए भी आपको काम करना पड़ता है और करना चाहिए, जो कि माजी की हुकूमतों में हमने देखा कि इसकी शदीद कमी थी। और इसी वजह से हम आज इस ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो जिसमें काफ़ी तकालीफ हैं हमारी, जो बिजली के जो जिस रेट्स पे बन रही है, जो वायदे किए गए। फिर आपकी उस जो जिसे कहते हैं कि जो आपसे ताल्लुक़ रखने वाली खबर है कि इस पर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा बरहमी का इज़हार किया कि जो बकाया जात हैं अखबारात के, मीडिया के, उनको अभी तक मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं पे किया गया। उन्होंने मुझे ये टास्क दिया और एक हफ्ते का टाइम दिया तमाम मिनिस्ट्रीज़ को कि वो अपने जितने भी उनके आउटस्टैंडिंग वाजिबात हैं वो पूरे करेंगे और मुझे आप रिपोर्ट दें कि अगले हफ्ते अगली कैबिनेट में ये सारे पैसे जमा हो जाने चाहिए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको इस चीज़ का एहसास है कि जो भी बकाया जाते हैं वो ज़रूर मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं ये यकीन रखता हूँ कि अगले हफ्ते तक हमें जो भी ये पैसे मिलेंगे हम फौरन इसको तकसीम कर देंगे अपने सहाफ़ी भाइयों के पास। इसका जी मैकेनिज्म हम अभी इस पर बात कर लेते हैं, फिर जो एक और अहम बात जो कि इस वक्त उस पर काफ़ी मीडिया पे भी आ रही है वो है गंदम, कि गंदम की जो कीमत बढ़ रही है आटे की, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियर तरीके से इस पे मौजू पे जो मुतल्लका वजारतें थे उनसे पूछा, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, फूड सिक्योरिटी और जितने भी प्लानिंग जितने भी थे उसमें, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर कैबिनेट मेंबर से अगर वो चाहे तो कोई भी सवाल तो वो उसको इजाज़त देते हैं, और एक बड़ी पार्टिसिपेटरी, एक बड़ी, मेरे लिए तो पहला तजुर्बा है, मैं और किसी कैबिनेट में शामिल नहीं था या और हुकूमतों में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है पहले तो वहाँ पहली हुकूमतों में कैबिनेट के इजलास होते ऐसे थे जिस तरह के कभी कभार जो है तो हम जिस तरह ईद मनाते हैं, सालों में होती थी, महीनों में होती थी। तो चूँकि हमारा एक रेगुलर वो है तो इससे हमारी, एक तो सारे मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी सजेशंस देते हैं, तो गंदम और आटे के बारे में हमारी हुकूमत बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न है कि आटे की कीमत ज़्यादा ना हो और जो गंदम की फराहमी है वो बर वक्त और उसकी तरसील में कोई भी रुकावटें ना हों। इस वक्त जो हमारे पास जो कि एस्टीमेट्स थे कि जो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन टन की जो हमारी कंजम्पशन और हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें जो गैप था, उसके लिए भी हुकूमत ने ये इजाज़त दी है कि प्राइवेट लोग भी और हुकूमती भी ये इंपोर्ट कर सकते हैं उस गैप को ख़त्म करने के लिए, और ऑलरेडी 3-4 लाख टन की वो हो भी चुकी है, ऑर्डर्स भी प्लेस हो चुके हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी कोई जो वो लोग ख़ास तौर पे जो ज़खीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, देखें ये हमारे मज़हब में भी और हमारे दुनिया के आम जो मुसलमान मुल्क नहीं भी हैं, ये इस तरह की चीज़ों को ज़खीरांदोज़ी करना समाज की दुश्मनी है। तो इसमें लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो निशानदेही करें ऐसे लोगों की जो इसकी ज़खीरांदोज़ी के मुर्तकिब पाए जाएं। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत से भी रिक्वेस्ट की गई कि जो उनको भी जो जो इम्पोर्ट के लिए आई, इम्पोर्ट होते हुए आएगी तो उस पर वो जो रास्ते में वो जो 1.25 रुपये पर टन का जो वो लगाते हैं
टैक्स लगाते हैं, एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं, उसको भी उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो उसकी छूट दें, क्योंकि मकसद इस वक्त जो है तो सिर्फ वो नहीं करना है, आवाम को सहूलत देनी है। तो ये इनक्रेज किया गया है प्राइवेट पार्टीज़ को भी कि अगर उनको भी उसकी इम्पोर्ट में कोई भी मराद दी जानी चाहिए वो भी देनी चाहिए, क्योंकि बाद औकात ये भी होता है कि बाहर के मुल्कों में कीमत महंगी होती है पाकिस्तान में के मुकाबले में, तो हमें वो बैलेंस क्रिएट करने के लिए अगर कोई मराद देनी पड़े तो उससे भी हम दरेग नहीं करेंगे। और इसको हमारी पूरी हर लेवल पे ये कोशिश होगी कि जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे स्मगलिंग को भी रोका जाए, और जो पंजाब है, सिंध है, ये सब जो है ना ये एक ही मुल्क है, और इसमें जो सप्लाई एंड डिमांड है उसमें कोई भी हमें गैप नज़र नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जो एजेंडे की बात हुई तो उसमें जो एजेंडा था वो काबीना ने कैश मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट रूल्स, मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट रूल 2009 की मंजूरी दी। ये कानून बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जो सिंगल ट्रेजरी अकाउंट होता है उसमें ये है कि पूरे पहले जो हुकूमती होते थे उसमें हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का, डिवीजन का अपना अपना एक अकाउंट होता था, तो वो कई दफ़ा जो है तो वो उसमें वो सलाहियत नहीं होती थी कि वो उसको पूरे तरीके से सही मुनासिब तरीके से और एक मुनज़म तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए, और कई फंड्स वैसे पड़े होते थे। तो ये जो है तो एक बहुत बड़ा एक हमारी गवर्नमेंट में ये एक इनिशिएटिव लिया गया जिसमें कि हमने ये सिंगल ट्रेजरी अकाउंट बनाया जिसमें कि बुनियादी तौर पे एक अकाउंट है जिसमें कि सारे पैसे जो है तो जमा होते हैं और फिर वहाँ से उनकी रिलीजेज होती हैं। फिर उसके अलावा जो दूसरा एजेंडा आइटम था उसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कानून से मुतालिक जो मुजवजा दूसरे तरमीमी बिल 2020 की भी मंजूरी दी। इन तरामीम का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की मौसर रोकथाम है, चूँकि आपको पता है कि फैटएफ भी हमारे ऊपर एक तलवार लटकती रहती है, तो कई कवानीन जो के हैं जो कि हमने अभी जो हमें टाइम मिला हुआ है उसमें हमने कई कवानीन में तरामीम करनी है कि इसका सदबाब किया जा सके मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का, तो उस सिलसिले में ये एक तरामीम थी जो कि अप्रूव की गई। फिर इसी तरह इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के हवाले से भी मुजवजा तरामीम की गई। फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 उसमें मुजवजा तरामीम की मंजूरी दी गई जो कि बुनियादी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को डील करती हैं। फिर कुदरती आफात और दीगर एमरजेंसी की सूरतहाल में कौमी सतह पर वफाकी सूबाई हुकूमतों और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मुनज़्ज़ब बनाने के लिए नेशनल हेल्थ एमरजेंसी रिस्पांस एक्ट 2020 के मुजवजे की मंजूरी भी दी गई। ये बुनियादी तौर पे जो हमने देखा है कि जो कोविड के सिलसिले में चूँकि हेल्थ एक सूबाई सब्जेक्ट है और कई ऐसे हैं कुछ जो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं, तो इस उसमें कोरोना वायरस के सिलसिले में हमने यही देखा कि ये तो NCOC अगर ना होती तो बड़ा मुश्किल होता कोऑर्डिनेट करना ये सारे इदारों को, लॉजिस्टिक्स को, और शायद यही वजह है कि हमने इतनी कामयाबी के साथ इस मूसी वबा से हमने बड़ी अच्छे तरीके से वक्त साबित कर रहा है, दुनिया कह रही है, हम खुद भी देख रहे हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एक हिकमत अमली थी जिस पे कि उनको बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ, बड़े उन पे प्रेशर्स आए, लेकिन वो साबित कदम रहे और वो पॉलिसी कारगर साबित हुई जो कि बुनियादी उसका जो सुतून थे वो यही थे कि हमने ज़िंदगी भी बचानी है और हमने कारोबार भी चलाना है। तो अल्लाह का बड़ा बड़ा रहम है, लेकिन साथ में मैं कहता चलूँ कि ईद उल अज़हा आ रही है और इसमें हमें फिर बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, बिकॉज पिछली दफ़ा भी अगर इससे भी हमारी कम नुकसान होता अगर हम गुज़श्ता ईद पे अगर एहतियात करते तो हमारे फिगर्स बहुत इससे भी बहुत ज़्यादा कम होते। तो अब रिक्वेस्ट ये है कि जब आसानी बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो हम दोबारा उसको में बिगाड़ ना लाएं और वो ईद के उसमें हम पूरी कोशिश करें कि अपने घरों पे ही मनाएं और हर वो
तदाबीर इख्तियार करें जो कि इस वायरस को फैलने में को वो न दें, नुकसान न दें। उसके बाद जो वफाकी दारुलहुकूमत की हदूद में वाकया वक्फ इमलाक के बेहतर इंतज़ाम निगरानी के लिए वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज़ एक्ट 2020 की मंजूरी भी दी। और तामीरात के शोबे में ये एक बहुत ही एक अहम, मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि मैं ये समझता हूँ कि ये इस मुल्क में एक पूरी तारीख बदल देगा। देखें, गुज़श्ता हुकूमतों में रोटी कपड़ा मकान की बातें तो किसी और लोगों ने की जो कि सिर्फ नारे की हद तक रहा। इमरान खान रोटी कपड़ा मकान में अपने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उसका वो एड्रेस किया, और फिर इसी तरह जो है तो मकान की सूरत में जिसमें कि हर गरीब मुतवसत तबके के लोग ये अपनी उनकी जो ज़िंदगी का एक ख्वाब होता है कि अपना घर ले सकें, उसके लिए जो दी गई कंसेशंस दी गई, जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं फाइनेंसिंग की, और इस सारी पूरी जो मॉर्गेज इंडस्ट्री है इसको फॉर्मलाइज करने के लिए जो वो किए हैं, स्टेप्स लिए हैं, जो इकदाम किए गए हैं, वो इस मुल्क में जो है तो घर खरीदना एक एक बहुत ही पॉसिबल। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, कभी इस पे गौर करें आप कि इस मकसद का क्या है कि जब और मुल्कों में, चाहे वो इंडिया हो या बाहर के मुल्कों में, 80 से 90% मॉर्गेज मार्केट के ज़रिए वो घर खरीदते हैं। हर एक जो है ना वो लाख रुपए का या करोड़ रुपए का घर हो तो करोड़ रुपए वो नहीं खर्च करता, उसके पास ये 80% या 70% फाइनेंसिंग की सहूलत होती है। तो जब वो उसके पास हो भी ये 1 करोड़ रुपए हो भी, तो वो अपने 30 लाख रुपए जैसे कि वो घर में अपना उसमें हिस्सा डालेगा और 70% जो है या 70 लाख की उसको फैसिलिटी मिलेगी लोन की, और वो बाकी जो पैसे हैं 70 लाख रुपए वो अपने कारोबार में भी लगा सकता है। हमें तो अब आजकल तो यहाँ पे यही होता है ना, अगर आपके 20 लाख रुपए का घर खरीदना है तो जी आपको 20 लाख रुपए ही देने होंगे, तो आपकी जितनी जमा पूंजी है वो उसमें खर्च हो जाती है। तो इससे ही एक बहुत बड़ा एक इनकलाब आएगा इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, और ये जो घरों की ओनरशिप है उसमें भी बड़ी तादाद बढ़ेगी। तो इसमें काफ़ी हमने वो कर दिए हैं, और इंशाल्लाह इसमें हम अब इश्तिहार भी चलाएंगे कि ईद के बाद जो है तो अपने भरपूर तरीके से इस जो हुकूमत का जो कि इकदाम है उसको स्पेशली घरों के उसमें अपना पूरा वो इससे फ़ायदा उठाएं। और ये वैसे भी चूंकि इसकी जो लिमिट है जहाँ तक के सोर्स ऑफ फंड्स का ताल्लुक है तो वो 31 दिसंबर तक है, तो उससे पहले जो भी लोग हैं वो मेरी आपके वसातत से दरख्वास्त होगी कि वो इसको वो करें। और जो हमने देखा भी है कि जो इस्लामाबाद की जो ऑक्शन हुई है उसमें बड़ी गर्मजोशी पाई गई है और हमारी तवक्को से ज़्यादा उसमें वो हुआ है, लोगों ने बिट किया है। और फिर आखिर में एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम का रिपोर्ट पेश की गई जिसमें के पूरी तफसील दी गई, और पूरी काबीना ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्ट्री को, डॉक्टर सानिया निश्तर को, उनकी टीम को मुबारकबाद दी कि जिस एहसन तरीके से बग़ैर इतने बड़ा अमाउंट जो कि इतने एहसन तरीके से तकसीम हुआ, जिसमें कि ये बात किसी ने, हमारे जो सियासी मुखालिफीन हैं उन्होंने भी इसकी शफाफियत पे कोई एतराज़ नहीं किया। एक दिलचस्प बात जो मैं आपको आखिर में बताना चाहता हूँ इसी एहसास प्रोग्राम के उससे, कि हमारे कैबिनेट में कुछ कोलीग्स ने, हमारे कुछ रफ़ाकायकार ने ये कहा कि जी ये प्रोग्राम तो बड़े एहसन तरीके से हुआ और इसमें बड़े पैसे भी तकसीम किए गए, लेकिन इससे हमें कोई सियासी फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जवाब सुनने वाला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखें, हर काम आदमी सियासत के लिए नहीं करता, कुछ काम आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, उसके बंदों के लिए करता है, और इसको सियासत की नज़र आप न देख की नज़र से न देखें आप। इससे ज़ाहिर होता है कि इमरान खान किस तरह का सोचता है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने तो इसको एक इबादत के तौर पे किया है कि अल्लाह को अगर खुश करना है तो उसके बंदों को खुश करो, और उस सबसे वो जो कि इस चीज़ को के मुस्तहिक हों, जो कि गरीब हों, जो कि माशी तौर पर कमज़ोर हों। तो ये है इमरान खान का की सोच,
और वो तो हमने पहले भी देखा कि चाहे वो यूनिवर्सिटी की सूरत में हो या कैंसर हॉस्पिटल की सूरत में हो जहाँ पे के 70% लोगों का मुफ्त इलाज होता है। तो ये इसका जवाब था जिसको सुनकर पूरी काबीना आपको आप सोच सकते हैं कि क्या उनका रिएक्शन होगा और क्या उनके दिलों से गुजरी होगी। तो ये इसका हाई पॉइंट मेरे नज़दीक आज की काबीना का ये था, इसमें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बात कही कि आप अल्लाह के बंदों के लिए करें, आप सियासत के लिए नहीं करें, वो सारे अल्लाह के बंदे हैं, सियासत हम और चीज़ों में करेंगे, और अगर ऐसा होगा तो अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा और अल्लाह ताला हम पे अपना रहम भी करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आखिर में सॉरी, ये कुछ वो हैं हमारे, मुझे दिया गया था APRNS के जो वो हैं उनके भाई का इंतकाल हो गया है, मैं पढ़ देता हूँ जी। वो ऑल पाकिस्तान रीजनल न्यूज़पेपर सोसाइटी के मरकज़ी सदर ग़ुलाम मुर्तज़ा जट साहब के बड़े भाई चीफ एडिटर लाहौर की वफ़ात पर दुआ मग़फ़रत फरमाएं। रोज़नामा मुसाफ़त लाहौर, ठीक है जी। तो हम दुआ करते हैं कि जी उनको अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे और उनको उनकी जो ख़ानदान है उनको सब्र की तौफीक अता फरमाए। और साथ ही में मैं ये कह दूंगा कि वहाँ पे तुर्बत में एक धमाका हुआ है, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं और जो जान ज़ाया हुई हैं उन पे भी हमें दिली दुख हुआ है और उनकी और जो ज़ख्मी हुए हैं उनकी हम सेहतियाबी के लिए दुआ करते हैं। और एक आखिर में कि जो इदारा दारुल सुकून की बानी रुकन सिस्टर रुथ लियूस के इंतकाल की खबर पर भी दिल इंतहाई रंजीदा है, उनके अहले खाना इदारे के तमाम स्टाफ से हम दिली ताज़ियत करते हैं। और रुथ लियूस की समाज और खुसूसन बच्चों के लिए जो खिदमात थी वो हमेशा याद रखी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बोलें आप। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इंटरव्यू करें और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी कहें कि इसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट लें और फौरी तौर पर उनको बाजियाब कराया जाए और ये देखा जाए कि जिस कैपिटल में इस तरह की वाकया हो रहा है ये दोबारा बहुमान नहीं। जी बिल्कुल, इसमें जी ये बात है कि अभी काबीना के इजलास ख़त्म होने के बाद, अभी आपको पता है कि काबीना के इजलास एक घंटा डेढ़ पहले ख़त्म हुआ तो मुझे ये खबर मिली। मैंने उसी वक्त जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं एजाज शाह साहब उनको मैंने फ़ोन किया, वो रास्ते में थे, उनके भाई मेरा ख्याल है कि काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं तो वो अस्पताल की तरफ जा रहे थे। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मुझे इसकी पूरी तफसीलात का भी इल्म नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि उनको अगवा किया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जल्द ही जल्द कम अज़ कम हमें पता चल जाए कि वो कहाँ पर हैं और क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाएँ जिससे कि उनको वो किया जाए, रिकवर किया जा सके। ज़ाहिर है कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है और हुकूमत अपना फ़र्ज पूरी तरह से अदा करेगी। जी अच्छा, एक तो आपने जिक्र किया गंदम की जो ज़खीरा रोजी का, पहले तो ये सिर्फ बता दें कि ये लोग क्यों नहीं पकड़े जाते, ये एजेंसी का क्या मतलब उसमें रोल है, उनकी क्या कमजोरी है। दूसरा ये कि पिछली दफा भी कैबिनेट में कराची की लोड शेडिंग के हवाले से मतलब बात हुई, प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया, मगर वो कराची की लोड शेडिंग बजाय कम होने के गैर ऐलानिया रोड लोड शेडिंग शुरू हो गई। और तीसरा आपने जो एक आपने कहा कि ये बजट से बीस से पहले ये जिस तरह आपने पेमेंट वगैरह का जिक्र किया तो आपको शायद याद होगा पिछली यदि मतलब इस तरह पेमेंट का था मगर एजेंसी और उन लोगों ने जो है वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। देखें हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि हमारे जो साफ़ी भाई हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं जो आपके बाहर हैं वो कि जिस तरह मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का बता दिया है कि वो किस दिल से सोचते हैं, वो ज़्यादा वो बजाय वो मालिकान के वो ज़्यादा आपका सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी पहली उसमें भी यही कोशिश थी कि जी और हमने बाकायदा एफिडेविट भी लिए और हमारी कोशिश थी कि ये जो है तो जो तनख्वाहें हैं वो पे की जाएं, लेकिन वो मुझे नहीं पता बिकॉज़ जो अभी तक मुझे उसका कोई फीडबैक मिला नहीं है
इतना मुझे यकीन है कि सबको नहीं मिली हैं तनख्वाहें, लेकिन जहाँ पे जो इदारे जिनको के पैसे दे दिए गए हैं, जो मेरी खबर है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें तो सारों को पेमेंट कर दी गई है। अब वो PIO साहब है नहीं, उनको होना चाहिए था, लेकिन कि वो मुझे भी बता देती, लेकिन जो मेरी खबर है वो यही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब जो प्रिंट मीडिया है उसका भी हम इंशाल्लाह जिस तरह का है कि ये गवर्नमेंट से ले चुके हैं। अब देखें ये तो इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिसमें कि जो असल लोग हैं जिसमें के जो कि सैलरीज हैं उसका कोई अब तरीक़ाकार, वैसे आम तौर पे हम बना रहे हैं एक ऐसा पूरा सिस्टम, क्योंकि इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि ऐसा कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि जिसमें कि ये उनके उस पर हमें न छोड़ें, उनकी मर्ज़ी पे हम न छोड़ें कि वो उनका दिल चाहे तो वो दे दें, दिल ना चाहे तो ना दें। तो एक ऐसा मैकेनिज़्म उस बाकायदा एक कानूनी तरीका हम बना रहे हैं जिसमें कि कम से कम ये चीज़ें ना हों और जो एम्प्लॉज़ हैं उनको उनकी तनख्वाहें मिल सकें। जी देखें, लोड शेडिंग का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें जो कराची इलेक्ट्रिक का वो वजारत तवानाई उसकी मुख्तलिफ अवकात में उसकी एक्सप्लेनेशन दे चुकी है। उसका जो जो कराची इलेक्ट्रिक है उसके मसाइल ज़ाहिर है काफ़ी पेचीदा हैं, उसमें मैनेजमेंट के भी इशू हैं, और अभी तो इस वक्त आपको पता है कि वो तो अबराज रू के पास है भी नहीं, उसको तो लिक्विडेटर्स हैंडल कर रहे हैं। तो हमारी तो कोशिश यही है कि जो लोड शेडिंग है ये ख़त्म हो, फर्नेस ऑयल है उसकी वो भी पहुँच गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले एक दो रोज़ में ये सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। मुकाबला करने के लिए आप जहाँ इस्लाहात ला रहे हैं, एहतसाब काबिल तहसीन है, वहाँ ज़रूरत है कि फौरी तौर पर मुआशी इस्लाहात और एमनेस्टी बिल लाया जाए और उसको फिर फौर असेंबली से पास कराया जाए, क्योंकि इस वक्त मुआशी रिलीफ की बहुत शदीद ज़रूरत है, ये बैकबोन है। तो बाकी दीगर जी जैसे आप और कामों में दिलचस्पी ले रही है आपकी हुकूमत, तो काबिल तहसीन अमल है, एहतसाब का अमल भी बहुत अच्छा है, तरक्याती अमल जो है वो भी जारी है, लेकिन इसके साथ साथ मुआशी इस्लाहात असद ज़रूरी है। बिल्कुल जी, ये बाकी चीज़ें बेसूद रहेंगी। नहीं नहीं, दुरुस्त कहा आपने। देखें मैं ये ज़रूर कहता चलूं कि जो कोरोना की वजह से आपने दुरुस्त कहा, कोरोना की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं मैं वो उसका कोई हिसाब ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में हम अल्लाह के शुक्र गुज़ार हैं और हम अपने प्राइम मिनिस्टर के भी शुक्र गुज़ार हैं कि उन्होंने हमें जो हमारी जो रहबरी की वो बड़े अहसन तरीके से की, क्योंकि ये नुकसान मज़ीद बुरे हो सकते थे। अगर हम अपने हमसाया मुल्क को दूसरे मुल्कों में हम देखें तो वहाँ पे तो बिल्कुल ज़मीन बोस कर दी है पूरे माशरों को, पूरी इकोनॉमीज़ को। अब जो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ये इनिशिएटिव है हाउसिंग का, देखें इकोनॉमी रिवाइव तभी होती है जब उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, और कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपने साथ 50-60 इंडस्ट्रीज़ को भी लाती है, कैपिटल इंटेंसिव भी है, लेबर इंटेंसिव भी है। तो ये अगर पूरे मुल्क के इस मुल्क के पैमाने पे ये अगर हो जाए तो इससे बड़ी चीज़ें इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए हमेशा रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया हर मुल्क में। तो हम ये समझते हैं कि ये भी उसका उसी सिलसिले में ये एक बहुत ही अहम वो होगा, एक स्टेप होगा जिससे कि इकोनॉमी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो रिवाइव भी होगी, और इसके साथ साथ और भी जो इस्लाहात हैं वो हों, चाहे वो टैक्सेस की मद में हों या और कोई ऐसे इंसेंटिव्स हों जिस पे कि दिन रात काम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर से वो बहुत ज़्यादा इस बारे में वो रहते हैं कि बुनियादी चीज़ ये है कि इकोनॉमी फंक्शनल हो, आज भी उन्होंने जिक्र किया था। तो
देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान टेलीविज़न का ताल्लुक है तो आपको पता है कि जिस इदारे पे भी आप हाथ रखें वो जो है तो अपनी एक पूरी एक कहानी है, एक पूरा एक ऐसा मजमुआ है कितनी तल्ख हकीकतों का कि वो आपसे पोशीदा नहीं है। पाकिस्तान टेलीविज़न, मेरी यही कोशिश होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी यही कोशिश है कि हम इस इदारे को एक बड़ा ट्रांसपेरेंट, एक बड़ा इफेक्टिव और एक ऐसा इदारा बनाएं जिसमें कि अब होता क्या है कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इतना अपनी अफादियत खो दी है। ये जितने भी लोग आपको बड़े बड़े एंकर्स भी नज़र आते हैं, वो ये सारे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न में थे। क्या वजह है कि ये आज जो है तो वो तो ये इसको एक तो एक ख़ास तरीके से इसको लोगों ने वो किया, एक तो होता है ना लूट मार, दूसरा ये है कि आपको पता है कि जो उसकी जो आर्काइव्स हैं वो कितनी कीमत की हैं और वो सारी जो है इधर उधर दी गई मुफ्त में, कोई चुरा के ले गया, कोई किसी ने क्या कर दी, कुछ ने क्या कर दी, तो ये तो शिकस्त और रेख का एक मजमुआ है जिसको ठीक करने के लिए वसाइल चाहिए। और जो आप कह रहे हैं उसकी बुनियादी वजह ये है कि जी एक तो हमारे यहाँ जो सिलसिला है कि जब भी आप किसी को अपॉइंट करते हैं कोई स्टे ले आता है, कोई यूनियन के इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी ये अगले 6 महीने अगर ये अप्रूव हो गया, काबीना ने अप्रूव कर दिया तो अगले 6 महीने में आपको इसका आपको बिल्कुल इंशाल्लाह, और मैं ये बड़ी अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि अगर मेरे दौरान वजारत पाकिस्तान टेलीविज़न अगर कम से कम उस सफ़र की तरफ उस सिम्त भी सफ़र शुरू कर दे जो कि उसका उसकी बुनियादी मंजिल है, जो कि उसका अजीम एक हिस्ट्री है, तो एक बड़ी मैं बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरे दौरान वजारत ये इदारा अपने पाँव पर खड़ा हुआ। देखें मैं आपको ओके जी एक तरफ तो फंड्स की कमी है, दूसरी तरफ 10-15 लाख पे एडवाइजर और कंसल्टेंट रखे गए जिनका कोई मेरा ख्याल मसरफ वहाँ ऐसा नहीं है कोई कुछ इनको सुधार सके। जब वो सुधार नहीं सकते तो उनको रखने का मकसद क्या है? काइंडली इनको कहें कि 65 रुपये इजाफा की बजाय 35 रुपये गुजारा था। देखें मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुने नहीं, एक सप्लीमेंट्री है जी। एक अमूमी तासर ये पाया जा रहा है कि 2500 मुलाजमीन को निकालने के लिए उनकी लिस्टें भी तैयार हो चुकी है। देखें पहली बात तो ये है कि मैं दोनों को जवाब देता हूँ कि पीटीवी की सज़ा आवाम को नहीं दे रहे, ये वो उन हुकूमतें हैं जिन्होंने कि जो कि आज अदालतों से खड़े हो के कि जी हमें एक तारीखी फैसला है और हमें जो है तो ये साद रफीक के केस में कि हमें जो है तो बरी कर दिया गया है या हमें सुरखरू हो गए हैं, ये वो लोग हैं जिम्मेदार जिन्होंने कि इंदारों को इधर तक पहुंचाया। ये नहीं है कि 35 से 65 कुछ को वो ना होती, 100 रुपए क्या आप कहते हैं 1000 रुपए आप ले लें, ये जो तबाही ने मचाई इसकी तो जिम्मेदार यही हैं जो कि आज वो उंगलियां यूं कर रहे हैं कि जी हमें तो आपने नैब ने हमें हमारे साथ ज्यादती की है। हम तो समझते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो कि जिम्मेदार हैं इस उसके, यही लोग हैं जिन्होंने कि इन इदारों को तबाह किया और कोई नहीं आए, हम इन्होंने नहीं किया, ये पाकिस्तान टेलीविजन, यही पाकिस्तान स्टील मिल, यही PIA, ये क्या थी, किसने इसको तबाह किया? ये तो एक हमारी उसके अजमत के निशान थे, इन्हीं लोगों ने जो कि आज आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमारे साथ नैब ज्यादती कर रही है। भाई नैब ज्यादती तो आपने तो इसी नैब को आपने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया इसको सियासी उसूल के लिए, आप ही थे जिसने इसकी कानून में तब्दीली होने की में रुकावट डले, पीपल्स पार्टी आपको आप पीपल्स पार्टी को रास्ता देते रहे, किधर है वो आप बताएं ना कि ये एवन फील्ड्स अपार्टमेंट किधर गए, किधर से आ गए, ये जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था ये क्या हुआ, ये जो आपने सरे महल ये किधर से आ गया, ये $65 मिलियन थे ये क्या हुए? तो आप ये कहते हैं कि अगर आप किसी गलत प्रोसिक्यूशन बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप अदालत से बरी हो गए तो इसका मतलब है कि आप फरिश्ता हो गए हैं, कौन जानती है कि आप क्या हैं, कैसे बन गए हैं आप और मैं, हम सारी उम्र काम करते रहेंगे, हम कभी सोच सकते हैं कि इस तरह की जायदादें हम बनाएंगे? नहीं बना सकते। तो ये लोग क्यों बनाए आके फिर, इनको तो आपको कवरेज ही नहीं करनी चाहिए बिकॉज यही लोग हैं उन चीजों की जिनका कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, जिनका कि ये भी जिक्र कर रहे हैं,
ये उन इदारों को तबाह किया, इन्होंने खुद जो है तो उसमें से इन्होंने पैसे कमाए, अपने वफादार लोगों को इन्होंने डाला, मेरिट का इन्होंने कोई वो नहीं किया, निज़ाम नहीं रखा, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, एक मॉरल कलेप्स की तरफ ले आए हैं, इकोनॉमिक कलेप्स की तरफ ले आए। ये तो अभी भी चाह रहे थे कि कोविड में हमें खुदा ना खास्ता कामयाबी ना हो कि ये हुकूमत से हमारी जान छूटे, बिकॉज ये पहली दफ़ा एक ऐसी हुकूमत आई है जो कि इनसे सवाल पूछ रही है कि आप सवाल के जवाब दें। देखें नहीं, बड़ा अच्छे सवाल है आपका। देखें यही तो है ना कि जब सारे इदारों को तबाह किया हो हमारा, देखें हमने पुलिस को रिस्ट्रक्चर करना है। देखें ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी देखें अदालतें, देखें मैं ये अदालतों को ये बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं खैर कौन होता हूँ देने वाला, लेकिन जो फैक्ट है कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जब अदालत के पास जब जाते हैं तो वो कागजात देखते हैं, वो प्रूफ देखते हैं, वो केस के को देखते हैं। अगर उसी में ही सारी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही सारा काम गलत हो तो जाहिर है फिर हम जज को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। जज ने तो फैसला देना है उसी बुनियाद पे कि जो उसके सामने पेश किया जाए। तो इस किस्म की जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, इनके लोग मौजूद हैं, हर इदारे में मौजूद हैं, और वही रोड़े अटका रहे हैं, वही इन खबरों को जो हम अच्छा काम करते हैं उसको भी रिवर्स कर देते हैं। पहले कब था कि जी शुगर रिपोर्ट पे क्या हुआ, उस पर उल्टा जो है तो हमारे उस पर PIA के जो पायलट्स थे उसका वो हमारे पे, कल जो एहसास डिक्लेयर करने की बात की उल्टा अच्छी अच्छी चीज़ को रिकग्नाइज करने के उल्टे हमारे ऊपर। तो ये उन वो एजेंट्स करते हैं जो कि उनके एजेंट्स हैं, और ये पीछे यही कार फरमाएं कि आप जो है तो इनकी अच्छी चीज़ को भी आप नेगेटिव लाइट में दिखाओ, बिकॉज ये इनकी मफादात स्टेक पे हैं। आपका हमारा कोई मतलब अल्लाह का आसरा है हमारे पे, ठीक है, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है। इन लोगों के एक एक, इनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है, ये इसलिए घबराते हैं, इसलिए APCs करते हैं, इसलिए कभी पोस्टरिंग करते हैं, और बीच में हर एक जो है तो मिल रहा है कि जी हमारा काम ठीक है तो हमें परवाह नहीं है बाकियों की। देखें जहाँ तक कि आपकी रिस्क की बात है, ये ऐसी पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी एक, मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की है या उन्हें ये इंस्ट्रक्ट की है मैनेजमेंट को कि पहले तो ये बताएं कि जी ये जो लोग हैं ये कर क्या रहे हैं, आया कुछ काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आया और तनख्वाह सिर्फ ले रहे हैं। फिर दूसरी जी नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं जो एडवाइजर्स और वो हैं उनका तो जिस तरह वही वाली बात है ना कि अल्लाह ताला ने भी जो यौम हिसाब के दिन जो फार्मूला रखा हुआ ये है कि ये नहीं है कि आप चूंकि आपने ज़कात 10 रुपए दी है, एक आपके 1,00,000 रुपए हैं, मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, मैंने जो है तो 1,00,000 रुपए दिए, मुझसे 1,00,000 अरब का हिसाब लिया जाएगा, आपसे उसका 10 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। तो इसी तरह इनसे भी उसी की तरह हिसाब लिया जाएगा कि आपने इतनी अगर तनख्वाहें, उसके अलावा ये है कि देखें ये तनख्वाहें जो है आपको सबको पता है मीडिया में आप तनख्वाहें सबकी जो है जो इस मीडिया में हैं उनकी तनख्वाहें जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं उनकी तनख्वाहें काफ़ी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, नहीं तो उस लिहाज से तो कोई आता ही नहीं था। आप यकीन करें कि कोई हम किसी एंकर को भी बुलाएं, किसी को जितने भी दे दें वो PTV पे नहीं आता, बिकॉज इदारा अपनी अहमियत खो गया है, कोई अपना नाम उसके साथ मंसूब नहीं करना चाहता। तो हमने तो उस इदारे को इस तरह उठाना है कि फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है कि एक वक्त ऐसा आएगा और एक साल दो में कि बड़े बड़े एंकर्स आपको PTV में नज़र आएंगे इंशाल्लाह। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात सेनेटर शिबली फराज़ वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना के इजलास में आज जो फैसले किए गए हैं उनमें TV लाइसेंस फ़ी बढ़ाने की तजवीज़ को मौखर कर दिया गया है, लेकिन PTV की तंजीम नौ की मंजूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न एक अजीम इदारा है और इसकी एक शानदार तारीख रही है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने इसे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया और अब इस इदारे की रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी।